नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 64,531 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,092 लोगों की जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,67,000 के पार हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 53,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,76,000 के पार है। भारत में पिछले एक दिन में 800,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,17,00,000 से अधिक हो गया है। चीन के एक फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी। सिनोफार्म के चेयरमैन लियू झिंगजेन ने मीडिया को बताया कि वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है और उसके दिसंबर तक बाजार में आने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 1,15,00,000 तक पहुंचने की आशंका है। और इतना ही नहीं, इस दौरान 4,00,000 लोगों की मौत की आशंका भी है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 20 से लेकर 40 साल तक के युवा कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में फैला रहे हैं, उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति को लेकर कहा है कि हम अभी कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होने जैसी स्थिति में नहीं है। WHO ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी विशेष तौर पर वैक्सीनेशन के माध्यम से हासिल की जाती है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 70% आबादी में वायरस को शिकस्त देने वाले एंटीबॉडीज होने चाहिए, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आधी आबादी में भी कोरोना वायरस से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हो तो एक रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। दुनिया भर के देशों को वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में जुटे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए 80-90% लोगों को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 30-60% लोगों के टीकाकरण से ही संक्रमण पर काबू किया जा सकता है। गेट्स ने कहा कि 2021 की पहली तिमाही तक वैक्सीन तैयार हो सकती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन दोनों नेताओं की जांच रिपोर्ट मंगलवार की देर शाम आई। मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार की दोपहर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री मोहन यादव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को ही उनके साथ उज्जैन के दौरे पर गए थे। कोरोना संकट के कारण अब दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 11,119 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 422 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,15,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 20,687 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 1,56,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 5,709 नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 121 लोगों की जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,000 के पार हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 6,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 53,000 से ज्यादा हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 9,652 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 88 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,06,000 के पार हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 2,820 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 85,000 के पार हैं। दिल्ली में एक दिन में 1,374 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश की राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 4,226 है। फिलहाल एक्टिव केस का आंकड़ा 11,000 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4,336 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 50,242 हो चुकी है। वहीं 2,585 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,21,00,000 के पार पहुंच चुका है और कुल मृतकों की संख्या 7,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 1,50,00,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,82,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 34,07,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,09,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।